अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नाज़रीन आप देख रहे हैं इकबाल कंप्यूटर ग्राफिक डिज़ाइनर। आज मैं आपको बताऊंगा डॉ फोटोशॉप में आपने अपनी तस्वीर को PNG कैसे करना। चलो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये मैंने कुछ इमेज सेलेक्ट कर रखी है, आपने न्यू लेयर पर जाना है। न्यू लेयर पर जाने के बाद आपने ये वाला टूल सेलेक्ट करना है, इसका नाम क्या है, स्पंज टूल। स्पंज टूल आपने सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ड्रैग कर देना है, जैसे कि मैं ये ड्रैग कर रहा हूँ, ये ड्रैग हो चुका है। ये अब हमारा जो कुछ पार्ट्स हैं ये इजाफी आ गए आर्ट की मदद से। ये टूल सेलेक्ट करते हुए आर्ट की मदद से मैं आप इसको माइनस कर देता हूँ। ये देख सकते हो ये माइनस हो गया, सॉरी आर्ट की मदद से ये मैं माइनस कर देता हूँ। ये देखो ये, अब मैं ये वाला हिस्सा सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि हमारा जो है ये वाला एरिया और ये वाला और ये वाला। अब देखो PNG में आपको बताता हूँ कैसे आती है, ये देखो। उसके बाद आपने यहाँ पे चला जाना है फिल्टर, फ़िल्टर आपने देना है 5%। देने के बाद आपने ओके कर देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है सिलेक्ट इनवर्स, क्या सिलेक्ट इनवर्स पे चला जाना है आपने, ओके करना है। ओके करने के बाद कंट्रोल नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट, पहले ऊपर वाले लेयर सिलेक्ट थी, अब मैंने नीचे वाले लेयर सिलेक्ट की है। अब करेंगे कंट्रोल जे, ये देखो ये PNG हो चुका है, ये देख सकते हो। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक और तस्वीर मैंने ले रखी है, अब इसको PNG करते हैं, न्यू लेयर लेते हैं, और न्यू लेयर लेने के बाद हम वही टूल इस्तेमाल करेंगे। ये देख सकते हो जैसे कि मैं एक मिनट में कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर आपको सॉरी नहीं बता सका ये कैसे होता है, वीडियो लंबी हो जानी थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपने कैसे करना है। ये देखो मैं अब इसको माइनस करूँगा यहाँ से, ये माइनस हो गया, और मैं टूल को छोटा कर लेता हूँ। जैसे कि मैं टूल छोटा करके ये वाला हिस्सा भी माइनस कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाले बाल आ रहे हैं इसके, ये हिस्सा भी माइनस कर देते हैं, वो हम बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। ये वाला हिस्सा भी और ये वाला भी सिलेक्ट कर लेते हैं प्रॉपर से, ये देख सकते हो। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो जैसे कि मैं इसको ये हैंड आ जाता है ना, ये स्पेस दबाने से आता है, स्पेस को दबा लो और हैंड आ जाता है। ये देख सकते हो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देख सकते हो जो ये आ गया, इसको रेज कर देते हैं। मैंने ये आर्ट का बटन दबाया हुआ है, अब मैंने आर्ट का बटन छोड़ दिया, ये देख सकते हो। इसके बाद आपने वही काम करना है, जाना है फैदर पे, फैदर 5% देना है। फैदर देने के बाद आपने सेलेक्ट इनवर्स पे चला जाना है, और नीचे वाला लेयर ऑलरेडी हमारी जो सेलेक्ट है कंट्रोल जे करना है, और इसको मैं हाइड करके आप दिखाता हूँ। ये देख सकते हो हमारी जो इमेज है वो PNG हो चुकी है। ये आपको इसके बाल दिखाई दे रहे हैं, ये देख सकते हो कितनी प्रॉपर सी हुई है, ये देख सकते हो। अब मैं आपको ये दोनों इमेजों को मर्ज करके दिखाता हूँ, ये देखो शिफ्ट और आर्ट को दबाए रखने से ये छोटा हो जाएगा। होने के बाद आपने यहाँ पे लगा देता हूँ, इंटर का बटन दबा देता हूँ। उसके बाद मैं दूसरे वाली इमेज लाता हूँ, ये देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर लाया और ये देख सकते हो शिफ्ट और आर्ट को दबाए रखा, ये देखो छोटा करूँगा। अगर मैं आर्ट और शिफ्ट को नहीं दबाता हूँ तो ये इसका साइज जो है वो ख़राब हो जाएगा, ये देख सकते हो हमारी जो इमेज है एक मिनट में PNG हो चुकी है, ये देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये देखो हमारी जो इमेज है वो
पीएनजी हो चुकी है, ये देख सकते हो। इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये देख सकते हो। अगर हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर दबा लो, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन आप तक वीडियो पहुँचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। स्टॉप।